नमस्कार ऑल माय फ्रेंड्स, वर्कना क्रिएटिव यूट्यूब आपका अपने चैनल में सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ बैंक के रिगार्डिंग, बैंक की एप्लीकेशंस जो होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मेरा वीडियो होता है। और उसी क्रम में एक एप्लीकेशन, एक वीडियो और मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपन एंजाज बैंक का एक एप्लीकेशन जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। एंजाज का एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और आप बैंक में जाए बगैर अपने मोबाइल से आराम से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल का बिल जमा कर सकते हैं और भी बहुत सारी इसमें कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं उनका अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है और मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसको कैसे आप यूज़ कर पाएंगे उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लोर में आप देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें आप देख कर सकते हैं ATM एंड ब्रांच लोकेटर, यहाँ से आपके नज़दीक में जो इसका एंजाज बैंक का ATM और ब्रांच जो होगा वो शो करेगा। करेंसी कन्वर्टर, इससे आप करेंसी का भाव क्या है वो आप जान सकते हैं। जैसे देखिए इसमें करेंसी कन्वर्टर, जैसे यहाँ पे USD आ रहा है तो एक USD डॉलर का सऊदी रियाल 3.75, यानी 3.75 सऊदी रियाल का एक USD होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जिस भी कंट्री का आपको मालूम करना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एक सऊदी रियाल के बदले इंडिया का कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं 1000 रियाल सेंड करना चाहता हूँ तो इसका कितना बनेगा इंडिया का, 19,365, यानी 1936 का रेट आज की डेट में है। इसी तरीके से आपको जिस भी कंट्री पैसा सेंड करना है उस कंट्री को यहाँ पर आप एड करके देख सकते हैं। अब इसमें एक्सचेंज रेट्स जो है, एक्सचेंज रेट्स ये तो करेंसी कन्वर्टर हो गया। एक्सचेंज रेट्स में आप देख सकते हैं USD डॉलर आप अगर बाई करेंगे तो 3.74 का आपको मतलब होगा और सेल रेट इसका 3.75 का है। इसी तरीके से इसमें पूरा देखिए है, और डिस्काउंट एंड ऑफर्स अगर बैंक की तरफ से जो रहते हैं वो अगर आपको देखना है तो इसमें आपको मिल जाएंगे डिस्काउंट एंड ऑफर्स। एंड कॉन्टेक्ट आपको करना है तो ये एंजाज का रिमिटेंस सर्विस का है, बैंक अलबिलाद हेड ऑफिस इसका रियाद में है और ये इसका टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर बैंक अलबिलाद, अलबिलाद बैंक के अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ओपन अकाउंट, एक नया अकाउंट आप खोल सकते हैं। अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लोन्स, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, अप्लाई फॉर लोन्स है, ये यहाँ के लोकल बंदों के लिए है, अपन खारिज लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। और है तो भी इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं लेकिन वो उसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे इसमें। और आप और मैं क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए क्या बेनिफिट इससे हो सकता है वो अपन देख लेते हैं। इसमें रजिस्टर करके आप इसमें ये फैसिलिटीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जैसे एन्जॉय मैनी फाइनेंशियल सर्विसेज विद एंजाज, क्रिएट योर डिजिटल मेम्बरशिप। तो इससे आप एक तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मल्टी ऑप्शंस टू ट्रांसफर मनी इंटरनेशनली विद लोएस्ट फी एंड बेस्ट एक्सचेंज रेट, एंजाज वर्चुअल कार्ड, और आप इससे एंजाज का एक वर्चुअल कार्ड, डिजिटल कार्ड आप इशू कर सकते हैं। बिल पेमेंट्स, सदात पेमेंट्स हैं और भी मोबाइल बिल वगैरह, पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, रिचार्ज वगैरह आप कर सकते हैं। टॉपअप अप प्रीपेड नंबर्स, जैसा कि टॉपअप प्रीपेड नंबर जो है उनका अपन रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो मोबाइल ही हो, सा हो, जेन हो, वर्जिन हो, लिब्रा हो, सब इसमें से आप कर सकते हैं। और नोटिफिकेशंस, गेट इंस्टेंट अलर्ट ऑन ऑल योर ट्रांजेक्शंस, तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपका रजिस्टर्ड नंबर पे। तो गेट स्टार्टेड मैं करता हूँ। इसमें देखिए ID अकामा नंबर, सबसे पहले आपको इसमें अपना ID अकामा नंबर ऐड करना है, उसके बाद में ये प्रोसेस करेगा। एंजाज कार्ड नंबर आप डालिए और एंजाज कार्ड एंड मेम्बरशिप डिटेल्स, एंजाज कार्ड पिन और ये CIF। अगर ऑलरेडी आपका एंजाज का अकाउंट है तो इसमें आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर कार्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो इस पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका आपको लिए यही है। और इसमें देख सकते हैं आप क्विक एक्सेस जो है, ये फुल एक्सेस है या क्विक एक्सेस है, तो ऑलरेडी मैंने इसमें अकाउंट बना लिया है और आप भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। रजिस्टर आप कर दीजिए, इसमें जैसा मैंने बताया आपको अपना अकामा नंबर ऐड कर दीजिए,
अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका आप शेयर में एक्टिवेशन है वो नंबर आप इसमें ऐड कर दीजिए, और ओटीपी जो आएगा वो ओटीपी आप डाल के आगे प्रोसेस करके, और इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप बना लीजिए, यूजर नेम आईडी पासवर्ड आप बना के, और इसको अकाउंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में आपको इसमें जो आपके लिए इसमें होगा फैसिलिटी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और आपका इसमें अकाउंट ओपन होने के बाद में आपके मेल आईडी पे इसका वो आ जाएगा पूरा अकाउंट का डिटेल। तो मेरा इसमें है ऑलरेडी, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, और ऑलरेडी इसमें यूजर नेम एड ये अपने आप ले रहा है इसमें, जो कि ऑलरेडी पहले से एक्सेस किया हुआ है। तो मैं इसमें इसको लॉगिन करता हूँ, तो मैंने जैसे मेरा इसमें ऐड किया पासवर्ड तो इसमें आ गया है बैंक ब्लाड का ये ओटीपी आ गया है। ये ओटीपी मैं इसमें इनपुट करूँगा तभी जाके ये आगे प्रोसेस होगा, विदाउट ओटीपी ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, फुल सिक्योर है। तो ये देखिए मेरा ये अकाउंट ओपन हो गया है, इसमें पूरा डिटेल आ गया है एंजाज बैंक का, ये आप देख सकते हैं वर्चुअल कार्ड है, वीज़ा कार्ड है। इसके माध्यम से ये जैसे कार्ड स्टेटस एक्टिव है, ये आईबीएन नंबर जो इधर का नंबर है इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट नंबर, तो ये जो नंबर है इनसे पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। और इसमें ये आप देख सकते हैं ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ से अपन नया बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए कैसे क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते रहिए, आपको पूरा इसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न यूनियन का मेरे को करना है तो यहाँ वेस्टर्न यूनियन सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंटरनेशनल में यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जैसे सेलेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पे इसमें ट्रांसफर्स एंजाज वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल आ गया। बेनिफिशरी ये बेनिफिशरी ऐड करने का हो गया, ऑलरेडी मेरा एक बेनिफिशरी जैसे ऐड किया हुआ तो इसमें शो कर रहा है अकाउंट होल्डर नेम स्टेटस एक्टिव है करेंट चाइनर और सेंड मनी एज कैश, यानी इसको मैं वेस्टर्न यूनियन कर सकता हूँ। अब जैसे अकाउंट का अगर ऐड करना है अकाउंट का, तो इसमें जब बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो अपने को अकाउंट वाला करना है, और अगर कैश अपने को वेस्टर्न यूनियन करना है तो वेस्टर्न यूनियन कैश करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप ऐड बेनिफिशियरी एंजाज इजी में सिलेक्ट रिमिटेंस, रिमिटेंस में अब कैश रिमिटेंस करना है या रिमिटेंस टू अकाउंट करना है, तो वो यहाँ से रेमिटेंस टू अकाउंट कर देते हैं। सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे कंट्री जिस भी कंट्री का अपने को ऐड करना है, सेलेक्ट बैंक कौन सा बैंक है वो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारे बैंक की लिस्ट है, इसमें से जिस बैंक का खाता ऐड करना है, जिस बेनिफिशियरी का जिस बैंक का खाता है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इसमें मैंने जैसे बैंक ऐड कर दिया, सिलेक्ट सिटी, अब सिटी कौन सा है वो सिटी इसमें डाल देते हैं, सिलेक्ट ब्रांच और ब्रांच इसमें कर देते हैं, बैंक आईएफएससी कोड इसमें इनपुट कर देते हैं, फिर सिलेक्ट करेंसी है इंडियन रुपीज, बेनिफिशियरी नेम क्या अकाउंट में वो इसमें ऐड करना है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ऐड करना है, रिलेशनशिप क्या है, एड्रेस, और ऑप्शन में जो है निक नेम बेनिफिशियरी आईडी नंबर फ़ोन नंबर, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फिर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप ओके करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपको ओटीपी कंफर्मेशन आएगा तो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से वेस्टर्न यूनियन का बेनिफिशियरी ऐड करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए वेस्टर्न यूनियन, और उसके बाद में प्लस जो आप देख रहे हैं यही तरीका इसमें है। यहाँ पर कैश रेमिटेंस आप करके वेस्टर्न यूनियन पेमेंट कर सकते हैं, बेनिफिशरी जिसको आप चाहते हैं कि वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट मिले तो उसके लिए कैश रेमिटेंस कर दीजिए, आप चाहते हैं कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो रेमिटेंस टू अकाउंट कर दीजिए, ये यहाँ से कर सकते हैं आप आसानी से। और इसी क्रम में देखते हैं और इसमें क्या है, सदात सदात पेमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मेरे ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये मोबाइल ही एस टी सी जे एन का आप देख सकते हैं, ये सब सदात पेमेंट के हैं। और इसमें आपको वन टाइम पेमेंट करना है या प्रीपेड करना है, प्रीपेड वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे,
और वन टाइम आपको करना है तो यहाँ पे आप वन टाइम कर दीजिए। कैटेगरी जैसे सॉरी एसटीसी का है, ऑल कर देता हूँ जैसे, तो इसमें कुछ नहीं आया है। एसटीसी का सेलेक्ट करूँगा तो इसमें इसमें आएगा, अब ड्यू का इसमें दिखा रहा है, ये ड्यू का मोबाइली का भी। अब इसको पे करना है तो नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे, ये 372,065 इसमें ड्यू डेट 22 सितंबर का, तो ये इसमें पेमेंट करना है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट है और इसको कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए सॉरी दैट इंटर्ड अमाउंट इज हायर देन द अवेलेबल बैलेंस, तो इसमें बैलेंस नहीं है तो नहीं होगा। बाकी तरीका यही है, यहाँ से अपन बिल जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें फिर जो ट्रांसफ़र का है, ट्रांसफ़र अपने को पैसा सेंड करना है तो यहाँ पे टेप टू सिलेक्ट बेनिफिशरी, बेनिफिशरी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब बेनिफिशरी इसमें जो ऐड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। एंजाज इजी में जैसे मैंने नहीं किया है तो नहीं आएगा, वैसे मैंने कर रखा है तो ये आ गया, इसको मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरे को अमाउंट भेजना है, सऊदी रियाल भेजना है सपोज 1000 रियाल परपज ऑफ ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे इसमें से एक परपज क्या है पैसा भेजने का वो अपने को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट के लिए मैं कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो अभी इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें अकाउंट इसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए नहीं होगा। बाकी तरीका यही है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर इसमें और एडिशनल क्या है इसमें, ओवरऑल मैंने आपको इसमें बताया है। यहाँ पे आप कोई भी 3 सर्विस इसमें से एक्टिव कर सकते हैं। इसमें देखिए एड बेनिफिशरी सदार्ज और ट्रांसफ़र, ये जो आया ये इसमें दिखा रहा होम स्क्रीन पे। अब यहाँ से इनको हटा के अगर अपने को और सर्विस इसमें से ऐड करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाला या स्टॉप कार्ड, चेंज पिन, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, एक्टिवेट कंट्री, यहाँ से अपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो है ये आप देख सकते हैं, बेल वाला जो है, जो है रेवेन्यू बिल ड्यू 22 सितंबर, तो ये दिखा रहा है, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा उसका दिखाएगा इसमें। और इसमें सेटिंग जो है वो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर जैसे कार्ड्स जो है, कार्ड्स जैसे एंजाज का है तो एंजाज बैंक का ये कार्ड शो कर ही रहा है। और इसमें एक तरीके से वीज़ा मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, इसको इसमें ऐड करके पैसा और इस एप्लीकेशन के थ्रू अपन विदाउट बैंक में जाए और इस एप्लीकेशन के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और मोबाइल का प्रीपेड पोस्टपेड बिल इसमें जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आपको मेरे द्वारा इस तरीके की दी गई जानकारी, ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी आपका कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो तो मेरे को आप चैटिंग में रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी इसके रिगार्डिंग या कोई भी एप्लीकेशन एसटीसी मोबाइल का रिचार्ज कैसे करते हैं, कैसे इसमें मोबाइल से एसटीसी के एप्लीकेशन जो है एसटीसी के थ्रू या एनसीबी क्यूट पे का जो एप्लीकेशन, अलाली का एप्लीकेशन है उसके थ्रू, या बयान पे का, या फिर जितने भी जो एप्लीकेशन अभी हैं और करंट में जो चल रहे हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, किसी को भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।